एकादश रुद्र में जो 11 रुद्र है वो 11 ही रुद्र में महाकाली की ही शक्ति विराजमान, और वो हमारे मेधा पर यहाँ 11 चक्रों में समाई। अगर किसी आदमी का एकादश पकड़ गया तो सोच लीजिए उसको तो कैंसर या कोई ना कोई लेफ्ट साइडेड भयंकर इनक्यूरेबल डिजीज हो गया। सहयोग का साइंस जो है वो पूरी तरह से उत्तम है, उसमें कोई आप दोष नहीं निकाल सकते। अब लोग आए कैंसर लेकर, स्क्लेरोसिस फलाना ठिकाना 50 एड्स, अब कहने लगे कि माँ हम तो कभी किसी गुरु के पास गए नहीं। अरे भाई गुरु के पास नहीं गए, तुम्हारी माँ गई होगी, तुम्हारे बाप गए होंगे। नहीं वो भी नहीं। वो फिर हाँ रजनीश की किताबें पढ़ी थी हमने, अच्छा, और सत्य साई बाबा का फोटो हमारे घर में, और एक दो जोड़ लो, मैंने कहा तो और दो चार और बीमारी आ जाएंगी, फिर आना वहाँ जाएंगे बीमारियाँ पकड़ेंगे और यहाँ आएंगे। तो उनमें उन पर तो रुद्र स्वरूप देवी का दिखना चाहिए ना। क्या भूतों से कहा जाए आ बेटे बैठ, अच्छा तू खाना खा फिर पानी। मेरे बहुत लोग पूछते हैं कि माँ देवी का रुद्र स्वरूप कैसे हो सकता, अगर वो माँ है तो माँ का स्वरूप रुद्र कैसे हो सकता। क्यों नहीं, बच्चों को ठीक करने के लिए रुद्र स्वरूप धारण भी करना। सौम्य स्वरूप ये बच्चों की लियाकत पे ही जाना जा सकता, पर कभी कभी उन पे रुद्र स्वरूप बहुत जरूरी, उसके सिवा वो ठीक ही नहीं हो सकते। किंतु रुद्र स्वरूप में किसी को हानि नहीं पहुंचाएगी, ये विशेष बात। जैसे कि पहले महाकाली ने इसको मारा उसको मारा इसकी जीभ खींची ये किया, ऐसा कुछ नहीं। आज का जो महाकाली का स्वरूप है वो है रुद्र, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं सब करने की। मनुष्य ऐसे ही घबरा करके ठीक हो जाता है, उस स्वरूप को देखते ही वो ठीक हो जाता है। और जब वो उस स्वरूप को देखता है अपने आप उसकी बीमारियां ठीक हो जाती, क्योंकि उसके अंदर जो नेगेटिव चीज है वो भाग जाती। तो किसी की गर्दन काटने की या जीभ काटने की या आंख निकालने की कोई जरूरत नहीं। महाकाली का स्वरूप अगर कलयुग में ना इस्तेमाल किया जाए तो सहयोग का कार्य ही नहीं हो सकता, क्योंकि इन नेगेटिव फोर्सेस के कारण सारे चक्र पकड़ जाते हैं, और चक्र ठीक किए बगैर कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं। इसलिए महाकाली का स्वरूप बहुत वंदनीय है, सराहनीय है, जो कि किसी को शारीरिक मानसिक बौद्धिक किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा, सिर्फ उसके स्वरूप से ही जो बुरी बातें हैं वो भाग जाती। अब मियां बीबी के झगड़े ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि बीबियां पड़ गई और मियां चाहते हैं कि बीबी बिल्कुल देहाती हो, और वो देहाती तो है नहीं तो उसको देहाती कैसे बनाएंगे। एक बार शहरी हो गए तो शहरी हो गए, चाहे आप लहंगा पहन लीजिए और चाहे आप पैंट पहन लीजिए, दिमाग तो शहरी हो गए। अब जब शहरी दिमाग हो गए तो
उसके बाद जो स्त्रीत्व था वो तो कम हो ही जाता है, पुरुषत्व ज्यादा आ जाता है, स्त्रीत्व कम आ जाता है। और स्त्री का जो सबसे बड़ा गुण है शालीनता, वही खत्म हो जाता है। वो शालीनता जो स्त्री का स्वरूप है उसको रणांगण में जाने की जरूरत नहीं। पद्मिनी ने अपने को 3000 औरतों के साथ चित्तौड़गढ़ के किले पर ही जला लिया था, वो कोई तलवार लेकर बाहर नहीं गई थी, पर जब जरूरत पड़ी तो झांसी की रानी हाथ में तलवार लेकर के खड़ी हुई। तब मुझे याद है अंग्रेज ने कहा था कि हमारी तो विजय है लेकिन गौरव तो झांसी की रानी का। अपने देश में अनेक तरह की उज्जवल चरित्र वाली औरतें हो गई, पति परायण, स्त्री धर्म में अत्यंत उच्च, ऐसी औरतें हो गई हैं जिन्होंने अपने सूझबूझ से अपना घर संभाला। जब गांधी जी ने ललकारा तो औरतों ने अपनी चूड़ियाँ सब जेवर उनको दे दिए। राणा प्रताप का ही किस्सा है कि राणा प्रताप ने देखा कि उसकी लड़की की घास की बनाई हुई रोटी तक एक बिलाड़ उठा के ले गया, तो उनके मन में शंका हो गई, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, अपने अहंकार के लिए मैं अकबर को शरण क्यों नहीं जाता। तो वो चिट्ठी लिखने बैठे अकबर को। उस वक्त क्षत्राणी उनकी पत्नी की शक्ति जागृत हुई, हाथ में भाला लेकर उसने अपने लड़की पे लगा और कहा कि मैं तुझे को मार डालती हूँ जिससे ये जो कमजोरी इनके अंदर आई है ना। तब राणा प्रताप की आँख खुली। हमारे यहाँ औरतों ने अगर सोचना ही है तो पिछली बात सोचें कि रणांगण में अपने पतियों को टीका लगा करके लड़ने भेजा था। इन अंग्रेजों से कौन लड़े, आदमी लड़ने को कहने को है पर शक्ति औरतों की थी। क्योंकि आजकल औरतें भी अशक्त हो गई, आदमी भी निशक्त हो गए। ये शक्ति जो है ये स्त्री की शालीनता से मिलती है। और जब तक ये शालीनता स्त्री कार्यान्वित नहीं होती तो ग्रह लक्ष्मी की शक्ति उसके अंदर प्रकटित नहीं होती। लेकिन चतुर होना चाहिए, ग्रह लक्ष्मी को चतुर होना चाहिए और दूसरे उसमें सूझबूझ होनी चाहिए। सो ये कहें कि जब महाकाली शक्ति अत्यंत शांत हो जाती है तो वो ग्रह लक्ष्मी हो जाती। महाकाली शक्ति, तो हम फातिमा बी को मानते हैं कि वो ग्रह लक्ष्मी का सिंहासन को शोभित करती है। महाकाली की इस शक्ति से स्त्री अपने बच्चे को ठीक रास्ते पर रखती है, अपने चरित्र को उज्जवल रखती है और हम लोग इस चीज़ के साक्षी हैं कि एक पतिव्रता स्त्री के पातिव्रत्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसकी अपनी शक्ति है। ये महाकाली की शक्ति है। जो लोग डरते हैं एक पतिव्रता स्त्री को, और पतियों को भी जान लेना चाहिए कि उनके अंदर जो कार्य शक्ति है
वो भी स्त्री से ही आती है। और अगर वो शक्ति स्त्री से आती है तो स्त्री में पहली चीज शालीनता है, यानी अगर स्त्री जबरदस्त है, इधर बैठ उधर बैठ, ये चल वो कर, जो ऐसे उंगली दिखाना शुरू कर दी तो कर चुप, पति को अधिकार। लेकिन शालीनता से आप जीत सकते हैं, इसमें चतुरता चाहिए। और ये शालीनता के लिए कोई किसको मार पीट चिल्लाना चीखना कुछ, एक तो शालीन स्त्री में हास्य रस बहुत प्रस्फुटित होना चाहिए। किस चीज को वो हंसी में डाल दे और हंस करके हजारों प्रश्न वो ठीक कर सके। ये जो बारीकी होती है इसको समझने के लिए मैंने अभी किसी कहा था कि आप शरद चंद्र पढ़िए, उसमें सबकी नोक झोंक औरतें कैसे संभाल लेती, ये होशियारी की बात है। हम लोगों को पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत है और इस गंदे इकोनॉमिक्स में तो जाने की बिल्कुल जरूरत है, लेकिन समाज की सारी धुरी, समाज का सारा कार्य स्त्री पर निर्भर है। जो स्त्री अपने बच्चों को अच्छा बनाती है, अपने घर को अच्छा बनाती है, अपने पति को स्वास्थ्य देती है, वो स्त्री एक बहुत बलिष्ठ समाज बनाती है। और कल मैंने कहा भी कि हमारे हिंदुस्तान की औरतों की वजह से ही आज हमारा समाज ठीक है। पर स्त्री का स्वभाव शालीन होना चाहिए और उसकी शक्ति भी शालीनता में, उद्दामता में नहीं। उसको दंड ठोकने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। उसकी जो शालीनता है उस शक्ति पर वो सारे दुनिया को जीत सकती है। उसकी चाल ढाल, उसका ढंग, एक देवी स्वरूप होना चाहिए। सो महाकाली शक्ति तो अनेक चीजों पे बैठती है, उसके अपने अपने वाहन हैं। लेकिन वो जब हाथी पर बैठती है तो उसे ललिता गौरी कहते हैं। कला, हाव भाव, उसके सब बहुत इज्जतदार सुंदर होते। जरूरी नहीं कि आप घूंघट लें, जरूरी नहीं कि आप सर ढकें, लेकिन आंखों में शालीनता होनी चाहिए। शालीन बहुत बड़ा वर्ड, बड़ा शब्द, इसमें बहुत सी चीज़ें समाई हैं। क्योंकि जो रुद्र स्वरूपा है उस रुद्र स्वरूपा को अगर सौम्य स्वरूप होना है, इसीलिए कहा है कि आप घूंघट ले लो, सर ढक लो, बुरका ले लो, क्योंकि आप महाकाली, जो आपको देख ले वही भस्म हो जाए, जो विधि निगाह से आपको देखे वही खत्म हो जाए। आपके संरक्षण के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए नहीं, लेकिन वो दूसरे के जो आपके ऊपर बुरी निगाह डाले वो भस्म हो जाए, वो नष्ट हो जाए। ऐसी ये महाकाली की महान शक्ति है। दिखने में तो बहुत ही सोजवल, बहुत शालीन, अंदर से
उसकी शक्ति जो है वो अंदर से कार्यान्वित होती। तो महाकाली को लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी रुद्र शक्ति है माँ, किंतु इसकी शालीनता देखने पे आश्चर्य होता है कि क्या ये महामाया है। देखो कि है तो महाकाली और इतनी शालीन, जैसे नववधु जैसे, वाह वाह क्या कहने इसके, ऐसी शर्माएगी, ऐसे मीठी बोल बोलेगी कि जैसे फूल जड़ रहे, ऐसे प्यार करेगी कि विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये महाकाली की शक्ति, जिसको जिसने पा लिया उसको कोई ना भूत छू सकता, भूत उसको क्या छुएगा, वही भूत को पकड़ेगा। अपने आए तो चार ऐसे, और जो स्त्री ऐसी हो उसके एक नजर से वो लोगों को भस्म कर सकते। अब दूसरी शक्ति महासरस्वती की, जिससे कि हमें बुद्धि में अनेक तरह की कलात्मक और अनेक तरह के विचारक प्रकाश आते हैं सरस्वती की कृपा से। शारदा की कृपा से हमारे अंदर अनेक विचार बड़े सुंदर, बड़े शांत, बहुत शीतल, बहुत कविताएं आती हैं, पर रोने गाने वाली नहीं। ऐसी आती है कि जिससे आप जागृत। आईगिरी नंदिनी मंदिर दुरमुख मर्षिनी हर्षरते
त्रिभुवन पोषिनी शंकर तोषिनी किं विषमोचिनी गोशरते तनुजनी रोषिनी क्षित सुत रोषिनी दुर्मुद शोषिनी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी शंकक मर्दिनी शैल सुते हय शत कंद विकंदित रुंद विदुंदित शुंद गजाधिपते रिपु गज गंद विदारन चंद पराक्रम शुंद मृधाधिपते निज भुज दंद निपातित चंद विपातित मुंद बदादपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते ननु शंगर नाक्षन संग परिष्पुत दंग नतार्कतके कनकपि शंग पुषात्कनि शंग वसात्पत श्रृंग हतावतुके कुत चतुरंग बलाक्षिति रंग गदद बहुरंग रतावतुके जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते जय जय जप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते जन जन जिंजित जिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूतपते नदी नन दर्त नदी नन तयाक नदी तनतया युग नाराते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुमनस्तु रम्यक मर्दिनी शैल सुते अयि सुमनस्तु मनस्तु 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 मनोहर कंतियुते श्रित रजनी 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 करवाक्र ऋते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते सहित महर्णव मालम कल्लिक वल्लिक रल्लिक मालरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक चिल्लिक भिल्लिक वर्णवृते सितकृत पुल्लि समुल्ल सितारुण तल्ल च पल्लव सललिते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते कमल दल मल कोमल कांति कला कलिता मल बाललते सकल विलास कला निलया क्रम केली चला कलहंस कुले अलिकुल संकुल कुवलय मंदल मौली मिलाद वक्रादितुके जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैल सुते
गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनु ते गिरीवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनु ते भगवती हे सिदि कंतनु तुम्बिनी भूरि कुतुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दुर दुर दर्शिनी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिषमोषिणी घोषरते तनुजनि रोषिणी क्षितिसुत रोषिणी दुरमुद शोषिणी सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे हय शत कंद विकंदित रुंद विकुंदित शुंग गजाधिपते पराक्रम शुंग मृगाधिपते निज भुज दंद निपातित चंद विपातित मुंडव तदपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य तनुरनु शंगर नाक्षन संग परिष्पुत दंगन तात्कतके कनकपिशंग पुषात्कनिशंग वसात्पत शृंग हतावतुके कृत चतुरंग बलाक्षितिरंग गतद बहुरंग रतद बतुके जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय जाप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते जन जन जिंजित जिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूतपते नदिन न तर्त नदिन न तनायक नातित नात्यनुगान रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते हय सुमनस्सु मनस्सु 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 मनोहर कम्पियुते श्रित रजनी 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 करवाग्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सहित महर्णव मालम कल्लिक वल्लिक रल्लिक माल रते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक चिल्लिक बिल्लिक वर्गवृते चित्रकृत पुल्लिस मुल्लसितारुण पल्लज पल्लव सालिते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते कमल दल मल कोमल कांति कला कलिता मल बालते सकल विलास कला निलय क्रम केलि चला कलु हंसकुले अलिकुल संकुल कुवलय मंदल मौलिनी लाद बहुल लंके जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते जय
जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक मर्दिनी शैलसुते जय जय हे रघु मर्दिनी ओम त्वमेव साक्षात् राहु मर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः ओम त्वमेव साक्षात् राहु मर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः ॐ त्वमेव साक्षात् राहु मर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी